हेलो भाई, मैं हूँ गौरव और मैं आज एक गाड़ी लेके आया हूँ, हुंडई ग्रैंड i10 1.2 पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर के साथ में ये इंजन आता है, ठीक है। और हमारे साथ में ये भाई आए हैं स्पेशल गाजियाबाद से हमसे मिलने के लिए। तो भाई साहब अपना नाम बता दो एक पुष्कर बार, सिंह और आप कहाँ से आए हैं प्रॉपर बताइए एक बार। प्रभु गाजियाबाद से। गाजियाबाद से इतनी दूर से चल के आए हैं, तो आप बताएंगे कैसा क्या था ये गाड़ी का, आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि ये गाड़ी आपने बताया कि 9,000 किलोमीटर समथिंग चल चुकी है और 2019 का ये मॉडल है, तो उस हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि गाड़ी आपने चलाने में कैसी थी, कब लेके आए थे, कैसे क्या क्या था, थोड़ा बहुत बताएंगे आप कब बहुत अच्छी खरीदी थी गाड़ी आपने। है, बहुत अच्छी गाड़ी है। 2019 लास्ट दिसंबर में खरीदी हुई है, ठीक है। और ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ गई थी, ये 7.5 7.5 लाख रुपए की। कौन सा मॉडल है ये एक बार बताएंगे आप, ये टॉप है, मीडियम है, या स्पोर्ट्स मॉडल है। ये स्पोर्ट्स मॉडल है। ये हुंडई ग्रैंड i10 1.2 स्पोर्ट्स मॉडल है, जो कि टॉप से नीचे वाला मॉडल होता है। बेसिक नीड जो भी ओनर की होती है इसमें वो सारी फुलफिल हो जाती हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके बताता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रंट से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो फ्रंट में आप देखेंगे इसमें कि आपको जो बेसिक लुक होती है वो होती है, उसके साथ में आपको फॉग लैंप और DRL मिल जाते हैं। DRL के बाद में आपकी जो ये ग्रिल है, ये भी एक बेसिक सी ग्रिल है जो नॉर्मल मॉडल में आती है, उससे कुछ ज़्यादा अपग्रेड है नहीं। और उसके बाद में ये देखेंगे तो आप ORVM में इसमें ही इंटीग्रेटेड इंडिकेटर आ जाते हैं, ऑटो फोल्डेबल ORVM है, ठीक है। उसके बाद में आप में सेंटर लॉकिंग हो जाती है, सेंटर लॉकिंग होने के बाद में जो पीछे से है उसमें आपको स्पॉइलर हो जाता है, एंटीना भी वही बेसिक वाला जो आपका होता है वही होता है। इसमें डिफॉगर भी हैं, डिफॉगर भी हैं, और ग्रैंड i10 की बैजिंग देख लो। उसके बाद में ये ग्रिल बोल सकते हैं हम इनको, पर ये भी नॉर्मल ब्लैक शेड में है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं कैसे क्या क्या है। आइए आप ऊपरली तरफ से आ जाइए। तो भाइयों हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, तो पहले हम शुरुआत करते हैं इससे। ये आपका जो है स्पोर्ट्स मॉडल है, स्पोर्ट्स मॉडल में जो ये है आपके चारों पावर विंडो हो जाती है। फर्स्ट ये ऑटो अप डाउन हो जाती है, ऑटो डाउन का फंक्शन है सॉरी, और उसके बाद में आपका ये लॉक अनलॉक हो गया, पावर विंडो लॉक हो गया। ये मैं करके दिखा देता हूँ, तो आपको वन टच डाउन है, ये वन टच डाउन के बाद में अब आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपके ORVM के कंट्रोल भी यहीं पे दे दिए गए हैं। MID जो इसकी है वो भी अच्छी खासी है, जिसमें कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसमें आपका RPM हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ये आपका पेट्रोल फ्यूलिंग का हो गया है। उसके बाद में आप इसमें देखेंगे तो नॉर्मल सी आपकी जो ट्रिप ए ट्रिप बी ये सब चीज़ें हैं, और उसके साथ में ये देखिए आप गाड़ी 9,158 किलोमीटर चली हुई है, ज़्यादा चली हुई नहीं है, 2019 का मॉडल है ये। और ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें कि ये टच पैनल है, साथ में बैक केयर के साथ में इसमें कैमरा भी प्रोवाइड कराया गया है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर कैमरा है, ठीक है। तो जी आप मुझे ये बताइए कि ये गाड़ी आपने चलाई तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी गाड़ी है, चलने में ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है। पावर पिकअप कैसा है इस गाड़ी का? बहुत अच्छा है जी, हुंडई का तो अच्छा ही है। हाँ ये तो है ही, हुंडई का तो काफी नाम है, काफी ब्रांड है, अच्छी ब्रांड है ये। और उसके बाद में ये आपने जब ये इसके जो सस्पेंशन वगैरह है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कैसे क्या सस्पेंशन है? देखो अभी तो नई गाड़ी है, उसमें तो बहुत अच्छा मिल रहा है इसमें, और इसमें तो अभी कोई दिक्कत है, ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं है, 9,000 चल गई है, ठीक है। और आप देखेंगे तो इसके AC क्लाइमेट कंट्रोल जो ये ऑटो नहीं है, ये मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपका ये USB सॉकेट AUX का हो गया, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हो गया है, ठीक है। गियर नॉब कुछ इस टाइप की होती है इसकी, और इसका ग्लव बॉक्स मैं आपको दिखा दूं तो नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स है, इसमें कोई चिलर वगैरह है नहीं, ठीक है जी। उसके बाद में ये आप देख लीजिए वैनिटी, इन दोनों में को ड्राइवर साइड आपको मिल जाएगी वैनिटी, और ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। और ये कंपनी से फिटेड है, ये जो आपके सीट कवर है ये बाहर से डलवाए थे आपने? कंपनी से लगवाए, कंपनी से ही लगवाए थे ये आपने? तो कंपनी से, कंपनी ने कितना कॉस्ट किया था आपको, और क्या क्या लगवाया था आपने का इसमें? सारा काम कराया था, तो क्या कुछ किट वगैरह दी थी आपको, कैसे क्या किया गया था थोड़ा सा बताएंगे आप? नहीं वो तो उनका अपना कुछ पैकेज होता है या कुछ होता होगा, तो उन्होंने लगा के दिया था ये, ठीक है। 12,500 रुपए का उनका पैकेज था, सीट कवर थे, मैट्स और गियर लॉक, ठीक है, सब चीज। और
तो आप देख रहे हैं कि इसके जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग के अंदर भी आपके नॉर्मल बेसिक फीचर मिल जाते हैं, जो आपके स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल है, ये वॉल्यूम हो गया, म्यूट हो गया, यहाँ से मोड होता है स्टेयरिंग का, और उसके बाद में ये अप एंड डाउन चेक करना है। यहाँ से आपके मीटर की जो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब यहाँ से मिलती है इन बटनों को प्रेस करने से। जैसे मैंने आपको दिखाया, देखिए ये आपका, पता नहीं ये क्या दिखा रहा है, ये आपका हो गया टाइम, ये आपके ट्रिप ए, ट्रिप बी और किलोमीटर देख लो आप। तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं। बाकी गाड़ी में ये लेवलर भी है, आप देख सकते हैं हेडलाइट लेवलर है, ठीक है, और गाड़ी में ठीक है, कुल मिला के सब तरीके की है। और इसमें दो एयरबैग भी आपको मिल जाते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड हैं, एक यहाँ पे है और एक वहां पे प्लेस किया गया है, तो दोनों एयरबैग भी मिल जाते हैं। तो उसके बाद में अब मैं आपको थोड़ा सा इसके जो स्टीरियो है उसके आउटपुट के बारे में भी दिखाऊंगा, आउटपुट चला के भी सुना दूंगा कैसी क्या आवाज आती है इसकी, और देख लेना आप। मैं तो देखो कंपनी जो फिटेड चीज है उन चीजों को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं नहीं कहता कि आप आफ्टर मार्केट कुछ काम कराओ, अगर आप कराते भी हो तो कोई अच्छी जगह से कराओ ताकि आपको क्वालिटी मिल सके। तो अभी मैं आपको इस गाड़ी के आउटपुट के बारे में बताऊंगा, जो इसका स्टीरियो है कंपनी फिटेड है उसके बारे में। तो मैं एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग को प्ले कर रहा हूँ और आप इसका आउटपुट सुनना। इस तरीके का इसका आउटपुट निकला है, आप सुन सकते हो, हेडफोन लगा के जरूर सुनना ताकि आपको अच्छे से पता लगे इसका। मेरे हिसाब से हुंडई का जो बेसिक होते हैं अपने, जो कंपनी फिटेड है स्टीरियो होते हैं या जो भी स्पीकर होते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं, पर उनके आउटपुट काफी बढ़िया आता है। आउटपुट आप ये मान लो कि इसका जो आउटपुट है ये लगवाने के बाद में आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब मैं एक बार इस गाड़ी को चला के इसका देख लेता हूँ कैसा क्या पावर पिकअप है। वैसे मैं भाई साहब से एक चीज पूछनी थी कि भाई साहब ये एवरेज कितना दे रही है आपको? अभी एवरेज तो फिलहाल इसका 15 करीब है, ज्यादा तो नहीं है, 15 के करीब का ये माइलेज दे रही है आपको। ये नॉर्मल सिटी ड्राइव है या हाईवे ड्राइव का है? नॉर्मल आप सिटी ही कह लो, अब तो हाईवे तो इतना चले ही नहीं है ज्यादा। अच्छा, तो ये आपका सिटी ड्राइव है, सिटी ड्राइव में आप मतलब आपका काम भी मोस्टली सिटी ड्राइव का ही होता है। चलो चलो ठीक है, तो फिर मैं अब एक बार है ना इस गाड़ी को चला के आपको दिखा देता हूँ कैसी क्या गाड़ी है, ठीक है, आपको थोड़ा अच्छे से पता लग जाएगा पावर पिकअप का क्या है क्या नहीं है। ये मैंने चलाई और मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच लेके देखूंगा एक बार। पावर वाइज काफी बढ़िया गाड़ी लगी हुई है, ये एकदम से ये मतलब आपको पुश करती है कि आगे बढ़ो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई गाड़ी को काफी बढ़िया ही ये चल रही है, ठीक है। और एक बार मैं और दोबारा से इसको चला के देख लेता हूँ, ये आप भी देखना इसमें। काफी अच्छा इसका पिकअप लग रहा है मेरे को, ये काफी बढ़िया चल रही है। तो ये था मेरी तरफ से आप सभी को ग्रैंड आई 10 1.2 पेट्रोल इंजन की जो भी जितनी भी मेरी तरफ से जानकारी देनी थी मैंने आप सभी को दी है। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।